फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेकअप मंत्रा बाय रजनी। फ्रेंड्स, मैं आपको स्क्रबिंग के बारे में बताने जा रही हूँ। फेस पे हम लोग काफ़ी सारे क्लींजर, टोनर, क्रीम, मॉइस्चराइजर ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन स्क्रबिंग नहीं करते। तो मैं आज आपके सबसे पहले इसके रीजंस बताऊंगी कि स्क्रबिंग क्यों करना चाहिए। हम लोग जब भी क्लींजिंग, मॉइस्चराइजिंग या फिर टोनिंग कुछ भी करते हैं तो क्या होता है कि उससे हम लोग का पूरा स्किन के जो अंदर डेड सेल्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, जो डर्ट होता है, वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होता, उसके कुछ पार्टिकल्स रह ही जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग के लिए ज़रूरी होता है कि स्क्रबिंग करना। तो हम लोग अगर स्किन को अगर हम लोग स्क्रबिंग करेंगे तो उससे हमारे क्या होगी कि स्किन जो होती है वो हेल्दी होती है, और वो हेल्दी होने से फिर वो स्किन जो होता है ग्लोइंग करता है एंड वाइटिंग होता है। तो अगर आप लेकिन ये चीज़ सोच रहे कि स्क्रबिंग करने से आप सडनली आपका स्किन एकदम फेयर हो जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपका स्किन फेयर होगा, एटलीस्ट थोड़ी सी वाइटनिंग होगी, थोड़ी सी लाइटनिंग होगी आपकी स्किन। जरूरी होता है कि हम लोग स्क्रबिंग करें फेस को। बहुत सारे वीडियोस में आपको ये भी बताया जाता है, काफ़ी लोग बताते हैं कि स्क्रबिंग को आप 2 से 3 दिन कीजिए। नो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं। स्क्रबिंग आपको 2 से 3 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको सिर्फ वीक में एक ही दिन यूज़ कीजिए। आप किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग में हो या नाइट में हो, आप किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, तो आप नाइट में अगर यूज़ करेंगे तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट होगा, क्योंकि इसके बाद में जो आप मॉइस्चराइजर क्रीम जो यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, रात भर की हम लोग की स्किन जो होती है रिलैक्स होती है। उस टाइम पे हम लोग की जो स्किन होती है रिजेनरेट होती है। ज़्यादा स्क्रबिंग हम लोग जो आपको बताया जाता है कि 2 से 3 बार आप स्क्रबिंग कीजिए, तो उससे क्या होता है कि वो स्क्रबिंग की वजह से ना यहाँ पे जब हम लोग मसाज करते हैं तो ये प्रेशर पड़ता है हमारे स्किन पे, और हमारे स्किन को इतना प्रेशर पड़ने से क्या होता है कि हमारे फाइन लाइंस आ जाते हैं, हमारे रिंकल्स आ जाते हैं। तो जिसकी वजह से स्क्रबिंग के 2 से 3 बार करने की वजह से ही हमारा फेस जो होता है और गंदा लगने लग जाता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी स्क्रबिंग को 2 से 3 दिन बिल्कुल मत कीजिए, वीक में सिर्फ एक ही दिन यूज़ कीजिए। मैंने आज टोमेटो एंड ये कुछ शुगर लिया है, इसको आज मैं आपको स्क्रबिंग बताने जा रही हूँ। लेकिन अपना ये एक टॉवल लेंगे और इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा लुकवार्म वाटर लेंगे, मतलब थोड़ा सा गुनगुना पानी आप इसे लेंगे, और इसे लेके सबसे पहले हमारी स्किन को हम लोग क्लीन करेंगे। वैसे मैंने कोई किसी तरह का मेकअप नहीं कर रखी हूँ, मैं थोड़ा सा आई मेकअप एंड लिपस्टिक है और कुछ भी नहीं है मेरे फेस पे। तो इसे हल्के हल्के हाथ से लुकवार्म वाटर से हम लोग फेस को क्लीन अप करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, और वो अनक्लॉक्स होने के बाद में क्या होगा कि हमारे जो स्क्रबिंग हम लोग करेंगे उससे हमारी स्किन को स्क्रबिंग करने में बहुत इफेक्टफुल रहेगा और बहुत फ़ायदा मिलेगा इस स्क्रबिंग से। ये देखिए, मैं टोमेटो ले रही हूँ, इसे हाफ कट कर लेंगे। हाफ कट करने के बाद में आप ये जो शुगर देख रहे हैं, इस शुगर को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हम लोग मसाज करेंगे, स्क्रबिंग करेंगे यहाँ पे। जरूरत पड़े तो आप और शुगर ले लीजिएगा। टोमेटो जो होता है वो हमारे स्किन को ग्लो करता है, लाइट करता है एंड हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है। फ्रेंड्स, इसे आईज एरिया में बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि ये हमारी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है यहाँ की। कभी कभी भी हमारे आईज एरिया में बिल्कुल नहीं चाहिए, चाहे वो अपर हो या लोअर हो। इसे आप 2 मिनट तक करते रहिएगा। टोमेटो से एक चीज़ और होता है, ये एक्ने फोम को तो रोकता ही है, साथ ही हमारे जो ये नोज़ एरिया है यहाँ पे हम लोग के वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो उसको भी रिमूव करता है। लेकिन आप अगर ये सोचेंगे कि ये जो वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स है हम लोग का एक बार का स्क्रबिंग में निकल जाए, तो नॉट पॉसिबल। एटलीस्ट इस प्रोसेस को होने में आपको 1 मंथ एटलीस्ट लगेगा, और ये भी आपको वीक में एक दिन करना, तो दैट मीन्स मंथ में 4 टाइम्स करना है इसे। ये मैं फर्स्ट रेमेडी बता रही हूँ, और ये जो रेमेडी है ये सेंसिटिव स्किन के लिए। आपको काफ़ी सारे वीडियोस में टोमेटो की रेमेडीज बताई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि कौन से स्किन टाइप के हैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन सेंसिटिव है, और पिम्पल्स है जिनके फेस पे या एक्ने की प्रॉब्लम है, ये उन लोगों के लिए है ये स्क्रबिंग। इतनी हल्की हल्की यहाँ पे
मैं थोड़ा सा नेक पे भी कर लेती हूँ। मैं कुछ भी चीज़ यूज़ करती हूँ, मैं कभी भी स्क्रबिंग का जो भी मतलब होम रेमेडीज़ में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारे किचन में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ पाई जाती है जो हम लोग घर पे ही अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब इसे थोड़ी देर के लिए हम लोग 2 मिनट के लिए रख देंगे। क्या होता है कि स्टार्टिंग में पिंपल्स जो 1-2 होते हैं तो उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो कोशिश कीजिए फ्रेंड्स जैसे ही हम लोग के पिंपल्स 1-2 आए तो उसी टाइम पे हम लोग ध्यान दें और इस रेमेडीज़ को आप जरूर करें, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में ही आपका ये होने लग जाएगा तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लग जाएगी। आपको शायद हर वीडियोस में ये बताया जाता है कि टोमेटो जो होता है वो हम लोग हाफ कट यूज़ करते हैं चीनी डाल के, तो उसके बाद में क्या होता है कि हमारे स्किन को हम लोग मॉइस्चराइज कर लेते हैं, हम लोग स्क्रबिंग कर लेते हैं, लेकिन जो हाफ कट टोमेटो जो होता है वही मेन थिंग है फ्रेंड्स। आपको उस हाफ कट टोमेटो को आप इस तरह से मत रखिएगा, आप उसे भी यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आफ्टर स्क्रबिंग आप जो 2 मिनट के लिए रखे हैं उसके बाद में इस टोमेटो को हाफ कट जो बच गया है टोमेटो उसे यूज़ कीजिए, क्योंकि ये हमारे स्किन को और ज़्यादा मॉइस्चराइज करेंगे और ज़्यादा हाइड्रेट करेगा। टोमेटो हमारे स्किन को लाइट करता है और साथ ही साथ हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करता है। तो मैं अब इसे 5 मिनट के लिए यूज़ करूँगी। अभी हमारी मेरी स्किन जो है वो क्लींस भी हो गई है और स्क्रब भी हो चुका है। मैं रोज़ गुलाबरी वाटर ले रही हूँ, इसे मैं अपने जो मेरी अनक्लोज स्किन हो चुकी है उसे हम लोग उस पोर्स को बंद करेंगे। इसे अब कुछ नहीं करना होगा, थोड़ा सा ऐसे सूख जाने दीजिए। आपको ये दिख रहा होगा कि मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रहा है। आप इस प्रोसेस को आप लोग सबको यूज़ कीजिए फ्रेंड्स, जिन लोगों के सेंसिटिव स्किन है या फिर जिनको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, तो इसको यूज़ करने से आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी सॉल्व होगी और 1 मंथ के अंदर आपको एक अच्छा रिजल्ट दिखेगा कंपेयर टू जो आप केमिकल्स बाहर से यूज़ कर रहे हैं, कि घर पे इजीली अवेलेबल है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी कि आप होम रेमेडीज़ को यूज़ कीजिए, क्योंकि बहुत इफेक्टिव है और कोई साइड इफेक्ट इसका नहीं। टोमेटो वाला प्रोसेस अगर आप लोग यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस सेकंड ट्रिक को यूज़ कीजिए, ये बहुत इफेक्टफुल है। मैं अभी फिलहाल अब इसको मैं टॉनिंग करने के बाद में फिर से अब आपके सामने दूसरा जो है ट्रिक मैं बताने जा रही हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। ये मैंने थोड़ा सा चावल लिया है और इसमें ये थोड़ा सा ये 1/2 लेमन यूज़ करेंगे इसमें। तो चावल को सबसे पहले हम लोग ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से पेस्ट रेडी हो गया। अब इस पेस्ट रेडी होने के बाद नींबू कट किया था, इसको इस तरह से इसके अंदर डाल दूंगी। इसका जूस निकालने के बाद में और थोड़ा सा इसमें ये रोज वाटर डालूंगी। रोज़ वाटर इसमें इतना ही डालना है जितना कि कंसिस्टेंसी जो है इसकी राइस की वो थोड़ी सी ठीक रहे। इस तरह से इसका पेस्ट को रेडी करें। 2 टीस्पून इज ना वो थोड़ी देर के लिए 1 मिनट के लिए आप इसे रख दीजिए, ताकि ये अच्छे एक दूसरे के साथ ये मिल जाए। इसे 1 मिनट रखने के बाद में अब इसे इस कंसिस्टेंसी को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि राइस हमारे क्या काम में आता है। राइस जो होता है हमारे डेड सेल्स को रिमूव करता है। अभी से हम लोग 5 मिनट के लिए इस रेमेडी को हम लोग रख लेंगे। 2 मिनट के लिए मैंने इसे स्क्रब किया था। इस तरह से इसको हल्के हाथों से हम लोग पोंछ लेंगे, जोर से दबा के मत पोंछिएगा। अब उसके बाद में हमारे पोर्स जो ओपन हो गए हैं उसको क्लोज करने के लिए हम लोग ये आइस को यूज़ करेंगे। इस आइस क्यूब को हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। आइस से हमारी स्किन जो होती है टाइट होती है एंड फाइन लाइन जो होती है वो भी रिमूव होती है। अब इसे
लो, टॉवल से पूछ लेंगे। आप ये देख सकते हैं मेरी ये स्किन कितनी ग्लो कर रही है, मुझे बहुत फ्रेश फील हो रहा है, अभी बहुत हल्का हल्का ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है। इसके बाद में हम लोग वही एज यूजल डाबर का गुलाबरी वाटर हम लोग यूज़ करेंगे इस तरह से टोन करने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, अभी यूज़ कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और मुझे, मैं करेंटली बोल रही हूँ कि स्क्रबिंग करने के बाद में जो हमारे जो स्किन पे जो पैची हो जाता है, फ्लैकी स्किन हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं होगी और हमारा स्किन जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होगा। और जितने भी सेंसिटिव स्किन वाले हैं, सो प्लीज़ आप मेरे इस होम रेमेडीज़ को ज़रूर आप लोग यूज़ कीजिएगा, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को एक बिग थम देना बिल्कुल मत भूलेगा। वीडियो कैसा लगा आप इसे कमेंट जरूर कीजिएगा और इस रेमेडीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके लाइक करने से या सब्सक्राइब करने से आपका कुछ लॉस नहीं होगा, आपका कोई रुपया कट नहीं होगा, ना ही आपका डाटा लॉस होगा। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।